और दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाले एपिसोड में जहां ऋषि का गुस्सा फूटेगा विक्रांत के ऊपर और वो सीधा सीधा विक्रांत से बोलता हुआ नजर आने वाला है कि तुम लक्ष्मी के प्यार के लायक ही नहीं हो, तुम जो कि किसी भी तरीका से इस घर के लायक नहीं हो। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय बात की जाए ऋषि की तो ऋषि बहुत सोच समझ कर बोलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ऋषि को इस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि किसी भी तरीका से लक्ष्मी के पास भी खड़ा हो विक्रांत। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस समय सालू बानी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं क्योंकि वो स्वयं ही चाहती थी कि किसी भी तरीका से ये रोका नहीं होना चाहिए और लक्ष्मी की शादी तो विक्रांत के साथ में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वाकई में दोस्तों हुआ भी बिल्कुल वैसा ही है। आप लोग जानते ही हैं विक्रांत को कि विक्रांत अभी तक सिर्फ और सिर्फ सुन ही रहा था, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये लक्ष्मी से आज भी प्यार करता है और लक्ष्मी भी कहीं ना कहीं प्यार करती है, जिसके बाद में वो सीधा सीधा रास्ते से निकलता हुआ नजर आने वाला है। आप लोग जानते ही हैं कि जो कि एंगेजमेंट हो ही नहीं पाएगी क्योंकि अब कहानी में एक और नया ट्विस्ट आ चुका है। दोस्तों जब आप लोग जानते हैं कि इस तरीका से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ अलग होगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोगों के बीच में एक और नई कहानी देखने को मिलने वाली है, जब खुद इस चीज़ को मलिष्का बोलती हुई नजर आने वाली है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। आप लोग जानते हैं कि वो ऋषि से बोलेगी कि ऋषि तुम्हारा क्या मतलब है, इसकी शादी हो या ना हो तुम्हें इस चीज़ से करने में क्या फ़ायदा है। जिसके बाद में ऋषि बोलता हुआ नजर आएगा कि ये मेरी और लक्ष्मी के बीच की बात है, तुम इसमें कुछ नहीं बोल सकती और हो सके तो पीछे को रहने की कोशिश करो। जी हाँ दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि आने वाली कहानी एक और नया दिलचस्प मोड़ लेकर आ रही है। दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी।